कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज उनकी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र से पद्यांश के शब्द पद का दूसरा पद पढ़ाएंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रेल, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि संतो भाई, हे संत भाई, आई ज्ञान की आधी, यानी ज्ञान की आधी आई है, जिसके कारण भ्रम, यानी जो मेरे अंदर भ्रम है, उसकी टाटी यानी कि छप्पर जो है उड़ गई। सवे उड़ानी यानी भ्रम के जो छप्पर थे वो क्या हो गए, ज्ञान की आंधी के आने से उड़ गए। माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं पाई। हित चीत की द्वैधुनी गिरानी मोह बरिंदा टूटा। यानी जो हित और चित्त की द्वैधुनी, यानी जो हमारे अंदर स्वार्थ था, स्वार्थ के जो दो धुनी का मतलब स्तंभ खंभे, जो दो खंभे थे वो ज्ञान की आंधी के आने के कारण क्या हो गए, गिर गए। मोह रूपी बलिंदा यानी जो बल्ली लगी थी मोह का, वो भी क्या हो गई, टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। करे तृष्णा लालच रूपी जो छप्पर था, छान थी यानी छप्पर थी, परिघर घर के ऊपर जो पड़ी हुई थी, उसके ज्ञान के आंधी के आने के कारण से जब वो गिरी तो कुबुद्धि यानी खराब बुद्धि का बर्तन, भाड़ा यानी बर्तन, कुबुद्धि यानी खराब बुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो भी फूट गए। जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चुए चुए न पाड़ी। करें कि जोग जुगति से करके, हे संतो भाई, अब हमने जो ज्ञान रूपी छप्पर को बांधा है उसके निर्चय यानी जरा भी पानी अब नीचे नहीं टपके उगा। निर्चय का मतलब टपकना। कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी। कह रहे हैं कि हरि यानी ईश्वर की गति यानी के बारे में जब हमने ईश्वर को जान लिया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमने ईश्वर को जान लिया तो काया में शरीर में, तो हमारे शरीर में जो छल कपट अहंकार अज्ञानता जो थी वो क्या हो गई, निकसया यानी निकल गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। करे आंधी के बाद, ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो जल बूढ़ा यानी जो बारिश हुई वो कैसी बारिश थी, ईश्वर की भक्ति रूपी जो बारिश हुई उसमें ईश्वर के प्रेम से सभी जन, यानी जन का मतलब लोग, लोग क्या हो गए, भीग गए। यानी ज्ञान रूपी आंधी के आने से ईश्वर भक्ति रूपी जल की बारिश हुई और ईश्वर के प्रेम से सभी लोग क्या हो गए, भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम हीना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी भान का मतलब होता है सूरज। कह रहे हैं ज्ञान रूपी सूरज के उदित यानी उदित होने पर, प्रकट होने पर भया तम हीना यानी अंधकार रूपी जो है अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। शब्दार्थ नोट करिए। भ्रम संदेह, तृष्णा त्रेषरा लालच, भान या भानु सूरज, तम अंधकार, हीना छिड़ या नष्ट होना। ये अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिएगा। धन्यवाद।